हेलो दोस्तों, सूतने वालों के लिए सूत नाइट, उठने वालों के लिए उठ मॉर्निंग, और आपका बलू भाई कोर से आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं एक गांव देहात के रहने वाला हूं और एक मिडिल फैमिली किसान का बेटा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना फैमिली में ही रहकर एक अच्छा फैमिली ब्लॉग बनाए, लेकिन गाइस उसके लिए तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि घर वालों को भी पता चलना चाहिए। और मैं मना कर देखूंगा, अगर घर वाले मानेंगे तो बोलूंगा कि ऐसे 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 करने से वैसे होता है, तो लेकिन दोस्तों पता नहीं मानेंगे कि नहीं, लेकिन देखता हूँ एक बार कब तक ऐसे छुप छुप कर हम लोग वीडियो बनाएंगे। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि पूरा फैमिली के साथ आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं दरवाज़ा बनवा रहा हूँ अपना पर्सनल रूम के लिए, और इस रूम भी जो है ना वो लगभग करीबन 5 साल आसपास हो रहे होंगे रूम नहीं बना, तैयार नहीं हुआ, और घर वालों को भी कितना परेशान करेंगे, हम लोग भी थोड़ा जानने समझने लायक हो चुके हैं। तो मैं स्वयं बनवा रहा हूँ अपना रूम के लिए, हमको तो रहना है भैया, और मुनी का भी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कहीं चलते हैं मजदूरी करने के लिए, क्या करेंगे भाई गाँव में रहकर। तो हेलो दोस्तों, अभी पज रहा है 2:00 PM और मैं आया हूँ बैल लोगों को पैरा देने के लिए। मेरे पिताजी उसी समय पानी वगैरह पिया दिए थे तो पैरा नहीं दिए थे, तो देखिए कितना उदास हैं बैल लोग, लगता है इन लोग को भूख भी लग रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इन लोग को पैरा दे लेता हूँ, इसके बाद कहीं चलते हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ अपने खेत साइट, मेरे पिताजी भी वहाँ गए हुए हैं, और ब्लॉगिंग के विषय में भी कुछ बात करके देखेंगे क्या बताते हैं मेरे पिताजी, क्या कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये ढोरी धान लगाए हुए हैं गर्मी में, और इधर देखिए एक ढोरी है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं वहाँ जाकर। दोस्तों मैं अपना खेत में पहुंच चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन गाइस मेरा पिताजी यहां मौजूद नहीं है। मेरे को लगता है जहां पर मैं दरवाज़ा बनवाने के लिए दिया था वहां पर हो सकते हैं। तो देखिए मेरा पिताजी अकेले ही खेती किए हुए हैं, कितना सारा बाप रे। देखिए यहां अंकुरित भी हो चुका है, यहाँ पर बोदी लगा हुआ है और भी कुछ कुछ लगाए हुए हैं, उधर बहुत सारा लगाए हुए हैं गाइस, क्या ही बता सकाएगा कि नहीं। मेरे को तो पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को तभी पता चल रहा है, उधर वहाँ भी लगाए हुए हैं, चलिए उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए भिंडी इधर लगाए हुए हैं मेरे पिताजी, आप लोग देख रहे हैं वहाँ से लेके वहाँ तक, और इधर भी ये सब वहाँ से आप लोग देख रहे हैं, वो सब में मेरे पिताजी अकेले ही भिंडी लगाए हुए, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, काहे कि नहीं आ रहा था ना, और मेरे को बोल भी नहीं रहा था कि चलिए, काहे कि मैं भी कुछ काम ही कर रहा था घर तरफ। तो अभी तो नहीं है फिलहाल में, तब चलते हैं, मैं अपना गेहूँ साइड चलता हूँ अब। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं अपने गेहूँ है वहाँ पर अभी मौजूद हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा अजीब वाला गेहूँ यार, इसमें तो देखिए टकला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, डेना पाखुर जाम भी नहीं किया है, तो उड़ेगा कहाँ से। तो दोस्तों अभी मैं आप उनको दिखाता हूँ, यहाँ रील्स वगैरह शूट करते हैं अभी फ़िलहाल में, तो चलिए अब मिलते हैं। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी।